हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसे कि आपको पता ही होगा डीआरडीओ सेप्टम 10 नोटिफिकेशन आया था जिसमें डीआरडीओ की तरफ से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी और टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली थी। इन दोनों वैकेंसीज में आईटीआई होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स ही एग्जाम फिल कर सकते हैं, बीटेक होल्डर्स नहीं। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के साथ। तो अब डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई होल्डर्स अपने सेम क्वालिफिकेशन वालों के साथ ही ये कंपटीशन फाइट कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। इन वैकेंसीज का फॉर्म 3 सितंबर से फॉर्म भरना चालू हो गया है और 23 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अब हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमें यह एग्जाम क्लियर करना है, पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि आज का कॉम्पिटिशन कितना टाइट है। मेरा कहने का मतलब आपको यह भी पता होगा कि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत हाई जाता है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी होगी और उस प्रिपरेशन को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मतलब कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है हमें, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब आपको पता है इस एग्जाम में हमारे पास दो पार्ट है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 कॉमन है सभी के लिए, चाहे वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो या फिर टेक्नीशियन हो, आईटीआई होल्डर के एग्जाम हो या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। CBT 1 जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस पार्ट और इंग्लिश पार्ट है, 120 क्वेश्चन आएंगे और ये कॉमन है सभी के लिए। तो CBT 1 को भी हमें स्मार्टली तैयार करना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर ला पाए। और साथ में CBT 2 जो डिप्लोमा होल्डर्स देंगे मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और बाकी अदर ब्रांचेस के लिए, उनके भी 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मिनट में करना होगा। उन्हें भी इस तरीके से तैयारी करना है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करके मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर ला पाए। तो दोस्तों आपको अगर इतने कम टाइम में आपको तैयारी करनी है CBT 1 और CBT 2 की, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे बेस्ट चीज आपके सामने है, वो है निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन कोर्स। DRDO में अगर आप CBT 1 की ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ITI होल्डर हो या फिर डिप्लोमा होल्डर, अगर आप CBT 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र ₹799 का कोर्स है। इस कोर्स की ओरिजिनल प्राइस थी ₹1500, लेकिन खास आपके लिए मात्र ₹799 हमने कोर्स प्राइस कर रखा है। अब 799 का ये कोर्स प्राइस बस कुछ ही दिनों के लिए है, तो ऑफर खत्म हो उससे पहले अगर आप CBT 1 लेना चाहते हैं तो 799 ओनली में कंप्लीट CBT 1 ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप CBT 1 एंड CBT 2 कंबाइंड लेना चाहते हैं, आपकी ब्रांच चाहे मैकेनिकल हो या सिविल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या CS, तो आप CBT 1 प्लस CBT 2 का कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी ₹10,000, लेकिन अभी वो मिल रहा है मात्र ₹4,999 में, और ये कीमत भी बस कुछ ही दिनों के लिए है। तो जैसे हम लोगों ने कुछ टाइम पहले इन्फॉर्म किया था निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कि जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स होंगे CBT 1 के और फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स होंगे CBT 1 प्लस CBT 2 कंबाइंड कोर्स के, उनको ही ये ऑफर मिलेगा। तो हम ये 500 का आंकड़ा टच करने ही वाले हैं, तो इससे पहले ये ऑफर खत्म हो जाए आप जल्दी से ये कोर्स परचेस करके अपनी तैयारी में लग सकते हैं। ये कोर्स ध्यान रखिएगा, ये कोर्स पर्टिकुलरली बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, जिनका गोल है कि पहले ही अटेम्प्ट में हम इस एग्जाम को क्लियर कर दें, उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। CBT 1 अगर आप ITI होल्डर हैं तो, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और CS से, तो आप कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं CBT 1 प्लस CBT 2 का, जो 10,000 का था लेकिन आपके लिए, खास आपके लिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वो मिलेगा मात्र ₹4,999 में। ठीक है दोस्तों, तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर है उन पे फोन घुमाइए, कोर्स को परचेज कीजिए और जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।